रहे हैं पेपर से रेनबो बनाएंगे पेस्टल शीट से। सबसे पहले हम इस तरह की व्हाइट कार्डबोर्ड शीट लेकर इस तरह से ड्रॉ करके हमने इस तरह के दो क्लाउड काट लिए हैं, इस तरह से दो क्लाउड काट लिए और इसके ऊपर हम ग्लू लगाते हुए, यहाँ पर ग्लू लगाते हुए हम यहाँ पर दो रिगली आइस पेस्ट कर देंगे। इस तरह से ये रिगली आइस मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है, देखें ये मैंने दो बनाकर इस तरह से रख लिए। अब मैं यहाँ पर इस तरह से ये मैंने पेस्टल शीट का रेड कलर लिया है, हाफ से थोड़ा बड़ा सर्कल है, और फिर उसके बाद मैंने ये ऑरेंज लिया है जो आधा इंच छोटा है इससे, इसको मैं इसको इसके नीचे से इसको बराबर करते हुए यहाँ चिपकाऊंगी। इसी तरह से फिर मैंने इससे भी आधा इंच छोटा येलो कलर काटा है, ये रहा इस तरह से, इसको मैं नीचे सर्कल इसकी बेस मिलाते हुए फिर से इसके ऊपर सेंटर में रखूंगी, दोनों तरफ से बराबर हो ये इस तरह से रखेंगे, देखें। फिर इसके बाद मैंने आधा इंच छोटा ये ग्रीन कलर में काटा है नीचे से बेस मिलाते हुए और साइड में दोनों बराबर सर्कल लेते हुए बीच में सेंटर में हम इसे इस तरह से पेस्ट करेंगे। इसके बाद मैं ये इसका लाइट ग्रीन मैंने लिया है, फिर से नीचे से मिलाते हुए हम इसे इस तरह से रखेंगे, दोनों तरफ से बराबर बराबर आए। फिर इसके बाद मैंने स्काई ब्लू लिया है, डार्क स्काई ब्लू, इसको भी मैं सेंटर में नीचे से मिलाते हुए रखूंगी ताकि दोनों सिरे बराबर बराबर आए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी और लास्ट वाला कलर रखूंगी जो मैंने इस तरह से काट लिया है और बीच का हिस्सा मैंने हटा दिया है, तो इस तरह से मैं इसको बीच में इस तरह से चिपका दूंगी, देखें सेंटर में दोनों तरफ से बराबर करते हुए नीचे से बेस मिलाते हुए मैं इसे चिपका दूंगी। इस तरह से ये मेरा रेनबो तैयार हो गया, आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर रेनबो मेरा बन गया, आप देख सकते हैं। अब जो बीच में हमने ये जगह छोड़ी हुई है इसको हमने बीच में से काट देना है, तो बड़े आराम से हम इसे यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से, इस तरह से गुलाई में करते हुए हम इसे यहाँ से काट के हटा देंगे, तो ये हमारा रेनबो तैयार हो गया, देखिए। अब हम यहाँ पर ग्लू लगाते हुए यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाते हुए यहाँ पर हम यहाँ पर, या फिर आप क्लाउड के ऊपर ग्लू लगा दें या फिर आप रेनबो पे लगा दें, जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पर फिट करना है, थोड़ा सा नीचे फिट करें ताकि इसकी किनारा ना दिखे। इसी तरह से आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, दूसरी तरफ भी आप इसी तरह से ग्लू लगाते हुए आप यहाँ पर रेनबो लगा दें यहाँ पर इस तरह से, देखें कितना सुंदर बना ये, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम एक रेनबो और लगाएंगे यहाँ पर, रेनबो पे ग्लू लगाते हुए एक रेनबो मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगी, यहाँ पर मैंने लगा दिया ये, तो आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर अपने आप में लग रहा है, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम इस तरह की कोई डोरी लेकर, गोल्डन डोरी या कोई आप वो भी ले सकते हैं, गोल्डन डोरी या फिर आप गोटा ले सकते हैं, इस तरह से ग्लू, क्योंकि ये बड़ा है तो नीचे से लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हम दोनों को यहाँ सिरों को लगाते हुए यहाँ ऊपर तक ले आएंगे और फिर इसके पीछे हम कोई बड़ा सा सर्कल या कुछ लगा सकते हैं इस तरह से ताकि ये इसको सपोर्ट मिल जाए। तो यहाँ सर्कल के ऊपर मैं ग्लू लगाऊंगी इस तरह से और मैं यहाँ पर इसको इसके साथ इस तरह से चिपका दूंगी, तो देखें ये हमारा रेनबो तैयार हो गया, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर ये हमारा रेनबो तैयार हो गया, देखें। तो आप भी इसी तरह से रेनबो तैयार कर सकते हैं, गुड लक, देखिए कितना सुंदर बना है, गुड लक।